हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे एमआरपीएल के बारे में, मैंगलोर रिफाइनरी के बारे में, जिसके अंदर आज ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। 11% का डाउन हुआ है ये स्टॉक। तो ऐसा क्या हो गया इसमें अचानक, जो कि 127 का हाई लगाया था और आज का क्लोजिंग दिया इसने 98.80, मतलब 99 रुपीज़ पे। तो ऐसा कुछ बैड न्यूज़ है क्या इसके ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम की बात करें तो एनएसई पर आज 2,60,00,000 शेयर्स इसमें ट्रेड हुए हैं और बीएससी पे 22,00,000 शेयर्स, ऑल और अराउंड 2,80,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं एमआरपीएल में, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया जो कि इतना ज़्यादा गिर गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, एमआरपीएल का क्वार्टर रिजल्ट शानदार आया था, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया क्वार्टर फोर में कंपनी ने, और उसके बाद में लगातार शेयर रॉकेट बना हुआ था। इसने 127 का हाई लगाया और एक न्यूज़ इसके बारे में ये आई है कि इसका जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है GRM, वो बहुत ज़्यादा हाई आने वाला है, जिसको क्वार्टर वन का रिजल्ट भी अच्छा आने की उम्मीद है। इस स्टेटमेंट के बाद में भी शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, तो आज गिरा क्यों? तो फ्रेंड्स, ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है MRPL में, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। और प्रॉफिट बुकिंग होना, कभी कभी देखिए हेवी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा भागा था तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। बट आज पॉजिटिव बात अगर आप देखोगे तो 96 रुपीज़ का इसको स्ट्रांग सपोर्ट था, उसको रिस्पेक्ट करके ये फिर से ऊपर गया और 99 पे क्लोज हुआ है। मतलब अगर आज आप देखोगे 114 से 96 तक लो लगाया था, बट फिर से रिकवर होकर 99 पे क्लोज हुआ है। मतलब 96 का जो इसका जो स्ट्रांग सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद ज़्यादा है। सब्जेक्ट टू मार्केट में बड़ा क्रैश आता है तो इसका नेक्स्ट लेवल निकल कर आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट 90 का है और उसके बाद में का सपोर्ट 80 का है। जहाँ तक रेजिस्टेंस का सवाल है तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 110 पे, उसको क्रॉस किया तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 120 का, और उसको क्रॉस किया तो अगला टारगेट हो जाएगा 130 का। तो MRPL में कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है, ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट हो सकता है अगर कल मार्केट पॉजिटिव रहा तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एक बार 96 का जो इसका सपोर्ट था उसको टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो 96 का सपोर्ट टच कर लिया है, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा तो फिर से ऊपर अपवर्ड जर्नी शुरू हो जाएगी। अभी मार्केट में जो गिरावट का माहौल है उसके कारण इसमें इतना गिरावट देखने को मिल रही है, अदरवाइज मार्केट अगर पॉजिटिव रहता था तो यही शेयर अभी आपको 150 रुपीज़ में दिखता था। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, जिन्होंने ले के रखा होगा, रिसेंट में बाय किया होगा, उनको होल्ड करना पड़ेगा, बट रिकवर होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा कोई कंपनी में ख़राबी नहीं है, और अभी क्रूड ऑयल के रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं तो इनका रिफाइनरी मार्जिन कम होने वाला नहीं है। और सबसे बेस्ट बात है कि क्वार्टर वन का रिजल्ट भी इनका अच्छा आने की उम्मीद है, वो अच्छा आया तो यही शेयर आपको शॉर्ट 2-3 महीने में 150 से 200 के लेवल दिखा देगा। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वेट कीजिए इसके बाउंस का। वैसे तो आज इसने बाउंस दिया ही है 96 रुपीज़ से, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अगर थोड़ा सा रिकवर हुआ तो फिर से ऊपर जाने की ही उम्मीद है, बट मार्केट अगर क्रैश हुआ तो नीचे भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द मार्केट। बट ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट शेयर टू होल्ड इन दिस क्राइसिस ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर एंड जो ऑयल का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके अंदर, ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखते हैं कि कल इस पे ऊपर ही जाता है कि यहाँ से वो नीचे आता है, ये पता चलेगा। बट मैंने आपको लेवल से बता दिया सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के, तो देखते हैं कल कैसा परफॉर्म करता है MRPL का शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।